चालू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर 560 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा होगा कि 560 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि हमने अभी अभी आहार सीरीज चालू की थी, लेकिन देखते देखते आज हमारा फिफ्थ वीक है आहार सीरीज का। तो मुझे ये चार चेंजेस अभी तक के जो फॉलो करके काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग। तो ओके, ऐश्वर्या मराठे जीता जागता एग्जाम्पल है ओवर ईटिंग का। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस है कि काफी लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी ओवर ईटिंग करते हैं। तो जब आप इमोशनल ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग करते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप सॉल्टी या फिर शुगरी फूड क्रेव करते हो। तो मैं नहीं बोल रही कि आप सभी लोगों ने इमोशनल या स्ट्रेस ईटिंग किया होगा, लेकिन मैंने किया था, क्योंकि जब मेरी माँ गई थी उसके बाद अराउंड 1 से 2 इयर्स मैं इमोशनल ईटिंग कर रही थी, और मैं कुछ भी किसी भी टाइम कितने भी क्वांटिटी में खा रही थी। सिर्फ मैं मेरे इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे कुछ भी हेल्प नहीं होती, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप सभी लोग इमोशनल ईटिंग करते हो, लेकिन इमोशनल ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग भी ओवर ईटिंग का एक सबसे बड़ा कारण है, तो वो भी हमको टैकल करना है। लेकिन काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और कुछ समय बाद उनको समझ में आता है कि ओ गॉड ओवर ईटिंग कर लिया। हम सभी लोग गए होंगे ऐसे लैविश डिनर्स को या फिर शादियों में, जिधर ऐसा लंबा बुफे का मतलब स्प्रेड है पूरा, और आप शुरुआत में तो सोचते हो कि ठीक है थोड़ा सैलड लूंगी, उसके बाद थोड़ी सब्जी और रोटी खा लूंगी या फिर राइस खा लूंगी और इनफ हो जाएगा, मैं काफी लाइट खाऊंगी। लेकिन आप देखते हो कि जो साइड वाले अंकल है उन्होंने प्लेट भर कर लिए है डेजर्ट्स, और आपको लगता है उनका चेहरा देख के कि उनके एक्सप्रेशंस देख के कि अरे इतना अच्छा लग रहा है डेजर्ट, जाकर एक पेस्ट्री से तो क्या होगा। शादियों में क्या हम रोज रोज आते हैं, तो आपको लगेगा एक तो मैं टेस्ट कर ही सकती हूँ, और देखिए उसके बाद आप पूरी प्लेट भर कर डेजर्ट्स लाते हो। वो खाते वक्त तो आपको काफी अच्छा लगता है, काफी खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो है गिल्ट, और वो गिल्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको लगता है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको काफी डल फील हो रहा है, और आपको लगेगा काश मैंने लास्ट रात कुछ तो थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम ओवर ईटिंग को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं स्लोली एंड स्टेडीली, और हम अच्छे से खाकर लाइट फील कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आपको पता होगा हमारे होते हैं 5 senses, जो कि है साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और टच। तो हमें याद रखना है कि खाते वक्त आपको ये सारे सेंसेस यूज करने हैं, और ये सारे सेंसेस यूज कर ही आपको हेल्प होगी आपके ओवर ईटिंग को कंट्रोल में लाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि शांत किसी जगह पर बिगिनिंग में तो बैठकर हमारा फूड वो देख सकते हैं, उसका अच्छा स्मेल ले सकते हैं। हम साइलेंस में बैठे हैं, मतलब किधर भी टीवी फोन नहीं चल रहा, उसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो करूंगी, लेकिन इधर भी वो मेंशन करना जरूरी है। तो कोई गैजेट्स चालू नहीं होंगे या फिर मूवी वगैरह आप कुछ देख नहीं रहे होंगे, मतलब आपको सुनाई कुछ इतना दे नहीं रहा होगा। उसके बाद आता है टेस्ट, तो टेस्ट आप उसका लोगे आपके फिंगर्स के साथ, मतलब आप हाथ से खाना खाओगे, जो कि होगा आपका टच। तो आप आपके फिंगर्स में वो फूड फील कर रहे हो, वो गर्म है, उसका टेक्सचर कैसे है, आप आईज से देख रहे हो फूड दिख कैसे रहा है, नाक से आपको उसका स्मेल आ रहा है, आप शांत एनवायरनमेंट में बैठे हो, और आप आपके फूड का फर्स्ट बाइट जब लेते हो तो आपको कैसी टेस्ट आती है, कौन से मसाले हैं, उस सब्जी की टेस्ट कैसी है, राइस की टेस्ट कैसी है। जब आप ये सारे सेंसेस यूज कर खाना खाओगे, तो इनडायरेक्टली आपका जो ब्रेन है वो थोड़े समय के बाद आपको सिग्नल दे देगा कि ओके आपका पेट भर चुका है, अभी इट इज नाउ टाइम टू स्टॉप ईटिंग। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके टाइम हो गया है, मेरा ईटिंग खत्म हो गया है, मैं फुल फील कर रही हूँ और मैं अच्छी लाइट फील कर रही हूँ।
लेकिन क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे दो रोटी, तीन रोटी, सब्जी, ज्यादा राइस, ज्यादा दाल, ये हम जितना फास्ट 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 ईट करते हैं, और जब हम चम्मच यूज कर रहे हो या फिर जब आप मूवी देख रहे हो तो आपको समझ में भी नहीं आता आपने कौन सी क्वांटिटी में खाना खाया है। आप फास्ट फास्ट वो पूरा खाना खा लेते हो और कुछ समय बाद आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है कि अरे आप तो फुल हो गए थे, लेकिन उस समय तक आपने इतना ज्यादा खा लिया होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या करें। ओवर ईटिंग तो हो चुका है, वेट गेन जरूर होगा, फैट गेन होगा और आपको गिल्ट बाद में जरूर आएगा। तो अगर आप आपके सारे सेंसेस को यूज कर कर खाना खाएंगे तो आपका ब्रेन आपको जरूर सिग्नल भेजेगा कि कब आपको आपका खाना स्टॉप करना है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि हमारा जो इंडियन परिवार है, हमें बताया जाता है कि बिल्कुल भी आपके प्लेट में आपको खाना नहीं वेस्ट करना है, और हमारे इधर ऐसे हम बचपन से ही सीखते हैं कि बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करना है, जो कि हमारे इधर की काफी अच्छी आदत है। सो आप बोलोगे लेकिन मेरे ब्रेन ने तो मुझे सिग्नल भेज दिया अभी आप तो फुल हो, लेकिन मेरे प्लेट पर तो खाना है, तो क्या वो खाना वेस्ट जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए और एक मेरे पास ट्रिक है। तो आप क्या कर सकते हो कि ओके, आप नॉर्मली दो रोटियां लेते थे खाने के लिए, तो अभी आपको आपका ओवर ईटिंग देखना है, सब चेक में लाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक ही रोटी लेंगे, एक रोटी सर्व करेंगे, उसके बाद उसको स्लोली अच्छे से चबाते हुए, उसका फ्लेवर एंजॉय करते हुए, अरोमा फील करते हुए आप उसको खाओगे। और जब आपकी एक रोटी स्लोली खाकर हो जाएगी तो अब आपको पूछोगे ओके मुझे अभी दूसरी रोटी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ओके आपको दूसरी रोटी चाहिए ही चाहिए, तो आप वो जो सेकेंड सर्विंग है वो लोगे। आप पहले ट्राई करिए कि जो सेकेंड सर्विंग है वो हाफ रोटी, शायद वो स्लोली खत्म करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि आप फुल हो चुके हो, सो शायद वो हाफ रोटी आप आपके प्लेट में लोगे ही नहीं, तो वो रोटी वेस्ट नहीं होगी। लेकिन पहले ही अगर आप दो या तीन चपाती ले रहे हो और वो जल्दी जल्दी में फिनिश कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कब मैंने ओवर ईटिंग कर दिया था और कब मैं फुल हो गया था और वो सारी चीजें। और जब आप ये फॉलो करते हो तो आपको श्योरली समझ में आ जाएगा कि आपको वो सिग्नल मिलता है, आपको समझ में आ जाता है कि ओके मैं फुल हो गया हूँ या हो गई हूँ, और आप ओवर ईटिंग नहीं करते। सो जरूर ये आपके नेक्स्ट मील में ट्राई कर देखिए कि पहले हाफ ही मील आपको सर्व कीजिए, वो स्लोली स्टेडीली चू करके आप खाइए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको फिर भी भूख है तो आप सेकंड सर्विंग ले, मतलब आपका ओवर ईटिंग नहीं होगा। हमारे स्टमक का साइज अप्रोक्सिमेटली इतना है, तो हम एक टाइम में इतना खाना खा सकते हैं, लेकिन आप ओवर द इयर्स इतना ज्यादा खाना कंज्यूम कर करके आपके स्टमक को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हो और आपको लगता है नहीं ये तो मैं इजीली खा सकती हूँ और वगैरह। लेकिन जब आप ये सारे ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दो रोटियों से ज्यादा मैं ले ही नहीं सकती, मतलब आप इतना अलर्ट रहोगे आपके इस ओवर ईटिंग के साइकिल में कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ओके दो रोटी के ऊपर मैं खा नहीं सकती, मुझे जाता ही नहीं है, या फिर इतना इतना चावल मैं लूंगी और उसके बाद मैं नहीं खा पाऊंगी। और ये बेस्ट फीलिंग होता है कि आपका स्टमक और आपका ब्रेन पूरा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है खाने के बाद, आपको गिल्ट नहीं आ रहा है और आप काफी लाइट भी फील कर रहे हो लेकिन फुल भी फील कर रहे हो, वो फीलिंग ही काफी अच्छी है। और उसके बाद आप गिल्ट को बाय बाय बोल दोगे। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि वंस इन अ वाइल थोड़ा ओवर ईटिंग कर दिया, फैमिली के साथ हो या फिर करीबी रिश्तेदार की शादी है, तो चलता है, मतलब आप लाइफ एक ही बार जियोगे, उसके लिए आप इतना भी कैलकुलेटिव मत रहिए कि थोड़ा ज्यादा खा लिया अब गिल्ट आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा वजन बढ़ गया, अभी मैं इतना एक्सरसाइज करूंगी फिर वो कम करूंगी, इतना करने की जरूरत नहीं है। टेक इट ईजी, आप पहले ये चालू तो करके देखिए, आपको स्लोली समझ में आ जाएगा कि आपको कितना फूड जाता है, और अभी कभी कभार इसी किसी फंक्शन में थोड़ा ओवर ईटिंग हो गया तो चलेगा। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, लेकिन आप ये जरूर फॉलो कीजिए, और मैं भी कर रही हूँ और मुझे भी थोड़े थोड़े सिग्नल्स अभी मिल रहे हैं कि मैं कब फुल होती हूँ, और हमारे जो पहले चार गाइडलाइंस है वो तो है ही, उसके साथ ही ओवर ईटिंग वाला अगर आप ऐड करोगे चेंज, तो आपको जरूर आपके हेल्थ में चेंज दिखाई देगा। तो अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो चेंज, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे आहार सीरीज
जिसका नेक्स्ट एपिसोड तो आने ही वाला है. और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 560 सब्सक्राइबर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. आई लव यू ऑल. सी यू सून. बाय बाय.